पूरब से पश्चिम तक की बात कर ली लेकिन सच नहीं बताया। सच बता, इंतजार कर रहे थे कि सच बताने के लिए कोई आएगा। और महात्मा जी, और महात्मा जी, महात्मा जी ऊपर ही से आए एकदम। सुनना पड़ेगा इन सबको, हम सब सुनेंगे। देखिए प्रतीक जी, हाँ जी, इस देश में सब्सिडी किसने शुरू की हज की? किसने शुरू की? कांग्रेस ने शुरू की। इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है संसाधनों पर, किसने कहा? इस देश के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरे मित्र खड़े हैं, किसने कहा था कि हमें मौका मिला तो हम दोबारा से बाबरी मस्जिद बना देंगे? और चौथी चीज, ये बातें कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दंगे हिंदू मुस्लिम के किसके राज में हुए, पूछना चाहता हूँ मैं। देखिए जिस तरीके से अभी बात कही गई है पूरे देश के अंदर, ये मान लीजिए गांधी जी को गोली मारी गई, भारत के आजाद भारत के पहले आतंकवादी ने मारी जो नाथूराम गोडसे था। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसकी बात ये आप कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बारे में, और भारत के अंदर जो मुसलमान अगर रह रहा है तो संविधान के तहत बाई चॉइस रह रहा, बाई चांस नहीं। अब ये बात मान के चलिए भारत के कौन सा है? नहीं बाई चॉइस, नहीं बाई चॉइस, बाई चॉइस भारत का मुसलमान है, स्वीकार करा भारत। अच्छा एक बात है, भारत का मुसलमान, भैया जी सुनिए बात, अभी सुनिए एक बात बताइए, मुसलमान हमारी धरती है। ये बोलता हूँ मैं, बात सुन लेंगे। विश्व में हिंदुओं के लिए कोई और देश है क्या? मेरी बात सुन लेंगे। 57 कंट्रियां है, मुझे बता दो कौन किया है आपको, भगा दीजिए यहाँ से। अरे अरे आप बैठिए, चुपचाप बैठिए, सुनिए सुनिए, चुपचाप चुपचाप। एक तो ये बात कहना छोड़ दीजिए कि यहाँ रहते हैं खाते हैं। अरे आप ही की जमीन है क्या सारी? मैं बिल्कुल आपके बात है, बात शुरू हुई थी माँ से, बस आते ही तुमने कहा था कहाँ मोड़ दिया, कहाँ गए बाबू जी, वो चले गए जी। बात पूरी होने दीजिए। भाजपा मुसलमानों का तो दामाद बनाती है, भाजपा मुसलमानों को दामाद बना दिया, मुसलमानों से ही नफरत करती है। ये कौन सा दोहरा मापदंड लेके चल रहे? भाजपा में क्या मुसलमान जो वो दामाद दिए भाजपा? मोदी जी अपनी माता जी के पैर छूते हैं हर वर्ष, जन्मदिन पे छूते हैं, हर पर्व पे छूते हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी माता जी कितनी बार अपने जीवन में पैर छू के, और क्या कोई तस्वीर है उनका, कोई फोटो है जीवन में, लाइफ में है? माता के पैर छूते, सम्मान देते वो माता को। मुझे मालूम है कांग्रेस मुद्दा क्या था, यही था मुसलमान नहीं था, हिंदू मुसलमान नहीं था। लेकिन परंतु क्यों आता है हर बार को, जब सीधी सीधी बात चल रही है तो क्यों आता है हिंदू मुसलमान? मैं यही तो बोल रहा हूँ, इसलिए आता है कि कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले अपने मुद्दे ढीले छोड़ देते हैं, तभी ये लोग फायदा उठा लेते हैं। पहला शब्द हाँ, मुसलमानों का परी चल लिया, भाजपा जो चिंता है सिर्फ ऐसे मुसलमान प्रतीक जी, बड़ा दुखद है। मैं अगर एक तरफ एक प्रधानमंत्री कहता है कि सबका साथ सबका विकास, इसमें कहाँ हिंदू है कहाँ मुसलमान है, जरा मुझे ये बता दो। एक मिनट, मैंने आपको सुना, आप सुनिए। दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री कहता है कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है संसाधनों पे, तो कौन शुरुआत कर रहा है? जड़ यही है, हमेशा गलत चीज की शुरुआत यही करते हैं। राइट, आपको जवाब देना है। उन्होंने कहा कि वो हर बार हर पर्व में जाके पैर छूते हैं, राहुल गांधी का पैर छूते हैं, हालांकि ये सवाल कोई बनता नहीं है। अगर आप कहेंगे जवाब देना चाहें तो जवाब दें, वैसे मेरे हिसाब से कोई सवाल ये बनता नहीं है, कोई कहीं कहां कहां पैर छूता है क्या बताने की जरूरत। प्रतीक जी, सवाल तो बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि कैमरा लगाकर अपनी माँ के पैर छूना हमारी तो परंपरा में नहीं है। ठीक है, चलो यार रिप्लाई। आज क्या था, आज क्या था फिर, अगर परंपरा नहीं है तो आज क्या था? इसमें डिबेट में पढ़ना ही नहीं है, डिबेट में पढ़ना नहीं है, उनके माँ का सम्मान करना चाहिए। प्रतीक भाई, मुद्दा था माँ का, लेकिन बात हो रही है हिंदू मुसलमान। कोई सेकंड नहीं, देखा मैंने कहा था होम्योपैथी से बात शुरू होगी, एलोपैथी और सर्जरी तक चली जाएगी। बाबूजी इधर देखिए मेरी तरफ, सर्जरी तक बात चली गई। सवाल सिर्फ यहीं पे रोकता हूँ, वक्त छोड़ दे ब्रेक का, मुझे मालूम है प्रोड्यूसर साहब की तरह उंगली मत दिलाइए, मुझे मालूम है 19 हो गए, वक्त छोड़ दे ब्रेक।